बेटा तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे? अबीरा को हॉस्पिटल लेकर गया था मैं। तुम फिर उसके साथ? सबरीना भी थी वहां पर। क्या पता है किसके साथ? कौन था वहां? सरमत के साथ। बेटा जी, ये खुला के पेपर्स हैं तुम्हारे और मोहित के। खुला के पेपर्स? पर मैंने तो आपको ये बनवाने के लिए नहीं कहा था। आपने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा बाबा। हाँ बेटा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपसे किसने कहा मैं कोई ऑप्शन देख रही हूँ? क्या चाहती क्या? वो तुम्हें छोड़े खुद से ये फैसला भी वो ले। हाय दिल ही तो है। इतने दिनों से सबरीना खावर भाई के घर पर है। पता नहीं खावर भाई के दिमाग में क्या चल, कैसे पता करो। वहां जाकर मालूम करती हूँ। लेकिन अबीरा, अगर उसे पता चल गया तो खुदा तूफान बर्पा कर देगी। जो औलाद भी कितनी बड़ी आजमाइश होती है। सबरीना के साथ कोई कोई ज्यादा नहीं होने देना चाहती, मगर अबीरा उसे खोने से डर लगता। Are you married? No. In a relationship? क्यों? इसलिए कि आप इतने focused, इतने passionately काम करते हैं। हाँ, दरअसल मुझे जल्द से जल्द काम खत्म करना है ताकि मैं US वापस जा सकूं। क्यों, क्या हुआ? वहां कोई इंतजार कर रहा है वापस जाने की इतनी जल्दी? नहीं, actually मेरा सारा business वहां है। आपको भी इस बात का पता? Yeah, I understand. आप उस दिन बहुत अपसेट लग रहे थे। सब ठीक है? सब ठीक तो नहीं होता, ठीक करने के लिए इंसान को ही मैनेज करना पड़ता। आप बहुत अच्छे इंसान है सर, प्रोफेशनली नहीं फ्लैकन भी। आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप हम आगे भी काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मोहित के सर में दर्द हो रहा था तो उसने कहा चाय बना दो। मोहित ने तुम्हें कहा है कि तुम चाय बना दो? हाँ, आप उसे पूछ सकती हैं। मुझे मोहित से पूछने की जरूरत नहीं है, और तुमने मेरी परमिशन के बगैर अगर किचन में कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किचन में तो क्या, तुम मेरे घर में भी नहीं आ सकती। निकलो यहाँ से, चलो। मैंने कहा निकलो यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में कदम भी मत रखना। मोहित, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने कहा निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे 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 अनीसा, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था।
निशा, मगर इसका क्या काम है? ये क्यों आ जाती है मेरे घर? मुझे इसका वजूद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, तुम इतनी जिद पे क्यों आ रही हो? क्यों नफरत करती हो इससे इतना? ये है ही नफरत के काबिल। और शुजा, आप भी इसकी तरफदारी मत किया करें। इसे कहीं जाए अपने घर। ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसके ताया का घर है, ये यही रहेगी, समझी तुम? बाबा क्या हो गया आपको, आप क्यों इस तरह मामा पे चला रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, आप मेरी बात कान खोल के सुन ले, आइंदा इस लहजे में आप इससे बात नहीं करेंगी। प्लीज मेरी वजह से तायम्बी से झगड़ा मत करें, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं वही मरूस पता नहीं मर क्यों नहीं चाहती, ताकि सबकी शिकायतें दूर हो जाए। किसी बातें कर रही हो बेटा, अल्लाह ना करे तुम्हें लंबी उम्र दे मेरी जान। प्लीज मुझे ऐसी दुआ मत दे, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो मेरे तो ध्यान रखते, मैंने सोचा कि मेरा भी फर्ज है कि मैं उसका थोड़ा ध्यान रखूं, लेकिन तहे में आप सही कह रही, मैं आपको अपना मरूस चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, प्रॉमिस। अबीरा मैं मामा की तरफ से तुमसे सॉरी कहता हूं, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ओके थैंक यू। क्या बात है बीरा, कौन सी ऐसी बात है जिसे सोच के मुस्कुरा रही हो? मुस्कुरा नहीं रही, मैं खुश हो रही हूँ। आपको पता है आज मोहित ने मेरी वजह से तायम्मी को इतनी बातें सुनाई कि बस। मोहित ने क्यों झगड़ा किया भाभी से? झगड़ा मोहित ने नहीं किया, झगड़ा तो तायम्मी कर रही थी। वो तो मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तो ताया अबू ने देख लिया और मोहित ने मेरे स्टैंड लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले तुम्हारी वजह से सबरीना और मोहित के बीच में झगड़े होते थे, अगर शुजा भाई और मोहित भी उनसे झगड़ा करेंगे वो भी तुम्हारी वजह से, फिर तो वो तुमसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगी। मम्मी इसमें मेरा क्या कसूर? ताई अम्मी मुझसे रूड हो रही थी, मुझे धक्के दे के वो घर से बाहर निकाल रही थी, वो तो ताया और मोहित ने देख लिया तो उन्हें रोक लिया। और आप फिक्र ना करें, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग चुकी हूँ। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ताबू और तायमी में मेरी वजह से लेके झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ मम्मी के मोहित ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, वो हमेशा की तरह मेरी ढाल बन के खड़ा हो गया हर एक के सामने। मम्मी मेरा मोहित मुझे वापस मिल गया। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, सबरीना और भाभी का ख्याल आ रहा था।
कॉफी? नहीं थैंक यू। पी लो, मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए। मेरा मूड नहीं है और अगर इस वक्त कॉफी पीऊंगी तो रात को नींद नहीं आएगी। थैंक यू। नींद तो अक्सर कॉफी पिए बगैर भी नहीं आती। तुम कल जा रही हो, मैंने सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारे दिल में अगर कोई नाराजगी है, कोई बदगुमानी है तो उसे कम करने की कोशिश करो। मैं तुमसे नाराज नहीं। हाँ लेकिन बदगुमान तो हो ना। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से एंटर होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मोहित और तुम्हारी सेपरेशन हो जाए, तुम लोग दूर हो जाओ एक दूसरे से। तुम्हें खोकर हमेशा गिल्ट में रहते हो। मुझे जब महसूस होता है कि तुम दुखी हो तो खुद को कसूरवार ठहराता हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन सबरीना मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो ताकि मेरे दिल का बोझ कम हो सके। वो शांति को क्यों छोड़ा तुमने? मुझे ब्लेम कर दिया। वो बहुत स्टूपिड है। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त होकर भी मुझे समझ नहीं सकी। बहुत दावे करती थी मोहब्बत के, लेकिन उसको तो असल मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। उसे लगता है कि हासिल करना मोहब्बत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों के ब्रेकअप का रीजन तुम कभी भी नहीं थी। तुम मुझे अपना दोस्त तो समझती हो? दोस्त? हाँ। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। मैं तो सिर्फ मुईद। और मोहब्बत? दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। पर अब देखो सब कुछ खो दिया। देखो सबरीना, अगर तुम्हें यह लगता है ना कि मैं तुम्हारे और मोहित के डिफरेंसेस की वजह हूं तो मैं ये सब क्लियर कर सकता हूं। मैं उससे बात करूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Thank you.
सबरीना। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे ने, रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए, हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। सूटकेस अनपैक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा दिन अपने घर नहीं रखूंगी। आप अगर मुझे इस घर से निकालना चाहती थी तो आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? ताकि तुम वहां मुस्तकिल अपना ठिकाना ना बनाओ, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, अपने शोहर के पास, चाहे वो तुम्हें पसंद करता हो ना करता हो, उसका फेयर हो ना हो। उसके माँ बाप मुझे अच्छे लोग लगे थे, आए थे तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अपने घर जाओ, अपने शोहर के पास जाओ और वहां जाके एडजस्ट करो, चाहे तुम्हें वहां मुलाजिम के तौर पे क्यों ना रहना पड़े। आंटी अंकल आए थे, मोहित तो नहीं आए? अनीसा बेगम, खाने में क्या पका है, क्या खिला रही? सलमा, सबसे पूछ के खाना लगा दो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं तुम्हारी खातिर मैं सर से पैर तक बदल गई हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर सबरीना हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो हम पहले जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल खुश। तुम्हें याद है ना कि हम कितने खुश थे? हाय दिल ही तो है। आप नाराज हैं मुझसे? मैं कौन होती हूँ भला तुमसे नाराज होने वाली? आप माँ हैं मेरी। सिर्फ नाम की हद तक। I'm sorry, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया ना। दिल तो तुमने हमेशा से ही मेरा दुखाया है, लेकिन इस अमीरा के लिए जिस तरह तुमने मेरी बात को रद्द किया है ना। मामा? क्या मामा, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है, मेरी कभी नहीं सुनी है, क्योंकि तुम इकलौती औलाद हो इसलिए तुमने हमेशा मुझे दुख दिया है। आपको पता है इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे और बाबा से करता हूं, और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं। झूठ बोल रहे हैं आप दोनों। अबीरा के लिए जिस तरीके से आपने मेरी इंसल्ट की है ना, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। यार तुम भी तो देखो, मैं मानता हूं कि गुस्से में मुझसे गलती हो गई, मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था, ठीक है, क्षमा तौबा कर, कान पकड़ लिए, ओके, माफी। चलो मोहित,
तुम भी काम करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ सबीना के लिए, और ऊपर से ये रोज रोज अबीरा आ जाती है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। नहीं, वो बेचारी जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं आती। अरे वो बेचारी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और उसकी मैं ये हसरत कभी पूरी ही नहीं होने दूंगी। चाहे फिर आप दोनों बाप बेटा उससे नाराज ही क्यों ना हो जाए, या मुझे छोड़ दें। अरे तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? देखो कोई किसी चक्कर में नहीं है, मैं तो दिलोजान से इस कोशिश पे हूँ कि मोहित किसी तरह जाके सबरीना को वापस घर ले आए, और मुझे पूरा यकीन है अगर मोहित चला गया ना वहां तो इस मसले का हल भी निकल आएगा। तो मोहित तो चले जाओ ना बेटा। कहां जाऊं? सरमत के घर। अरे यार वो तुम्हारी बीवी है, वो जहां भी है उसको जाके लेके आओ। और अगर मैं वहां पर पहुंचा और उसने मेरे हाथ में सेपरेशन के पेपर्स थमा दिए फिर? क्यों करेगी वो? मैंने कहा निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे 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 पन्नीसा, ये क्या कर रही हो तुम? हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पन्नीसा मगर क्या काम है, ये क्यों आ जाती है मेरे घर? मुझे इसका वजूद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, तुम इतनी जिद पे क्यों आ रही हो, क्यों नफरत करती हो इतना? ये है ही नफरत के काबिल। और शुजा आप भी इसकी तरफदारी मत किया करें, इसे कहीं जाए अपने घर। नफरत तो आपसे मैं करती हूँ, हमेशा आपने मेरे खिलाफ मुहाज़ बनाए रखा, ताया और मोहित को मेरे अगेंस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर अब दिमाग भी सेट कर लूंगी। ठीक हो ना बेटा? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, ठीक है? मैं ला दूंगा आपके। बाबा आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज हूंगा तुमसे, मैं तो शर्मिंदा हूं तुमसे। तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया, वो भी तुमसे पूछे बगैर, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी बेटा कोई बुरी। मैं जानती, मैं तो सिर्फ तेरी जिंदगी में खुशियां बनना चाहता। एनीवेज, हाँ कुलसुम ने वादा तो कर लिया है, लेकिन मुझे पता है वो कभी भी अपने वादे से फिर सकती है। कुलसुम या शानजे तुम्हें कुछ भी कहें, कोई भी बात करें जो तुम्हारे दिन को नागवार गुजरे, तुम्हें सबसे पहले मुझे बताएं, ठीक है?
हर बात। जी आई लव यू मेरा बच्चा। मेरा मिल्कशेक कहाँ है? बस बना रही हूँ छोटी बीबी, सबीना बाजी को चाय दे आऊं फिर आपको। तुम उसके लिए चाय बना रही हो और मैं तब से वहां वेट कर रही हूँ। छोड़ो सब काम, पहले जाके मिल्कशेक बनाओ। चलो चाय ठंडी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, जितना बोला है उतना करो, जाओ। जी सुनो, जाओ पहले दे आओ उसे, ठंडी हो जाएगी। जी अच्छा। लो तुम्हारी चाय आ गई, तुम चाय पियो, मैं दो मिनट में आता हूं। ठीक, थैंक यू। अरे क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं लगी आई थिंक। दिल तो मेरा था कि मैं नमक की बजाय जहर मिलाकर देती तुम्हें, और क्या पता ऐसे मैं कर भी दूं। सो बी केयरफुल, मेरे घर के नौकरों को अपना कोई काम मत कहना, नहीं तो अनजाने में तुम अपनी जान गवा बैठोगी, समझी? अच्छा था ध्यान से। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? बस हो तो रही है। आपको पेन किलर रहा तो? हाँ खा लूंगी, शायद उससे जल्दी ठीक हो जाए। चलो साथ में आपकी बैंडेज पे कर दूंगी मैं। वो आपकी मेड होती थी ना, वो कहाँ गई? अरे आज उसे जल्दी जाना था, इसलिए बाहर का फर्श पुनी साफ करके गई है। आएगी तो कल मैं उसकी तबीयत साफ करूंगी। चले आप लेट जाए, मैं आपके बैंडेज का सामान लेके आती हूँ। याला ओए होए। Okay जी, so great news, हमारा contract finalized हो गया, so I want you to thoroughly check the shipment details, ठीक है? ये file इसके पास है, और जो मैंने आपको presentation का बोला था, वो मुझे चाहिए आज, ठीक है? आप follow up कर लीजिएगा, ठीक है? You guys can go, thank you so much. Thank you. हाँ बीरा बोलो।
क्या वो मामा को वो ठीक है? वो उनके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई थी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उन्हें बैंडेज कर दिया है और पेन किलर भी दे दिया है, और फिलहाल मैं उनके साथ हूँ। लेकिन तुम भी जल्दी से आ जाओ, और ताबो को भी मैंने कह दिया, वो भी आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू, मैं काम करता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ अभी। ओके चलो ठीक है। अबीरा क्या जरूरत थी मोहित को बताने की? खाम खामे परेशान होगा, तेज गाड़ी चलाता हुआ आएगा। नहीं तो अम्मी, मैंने तो उसे तसल्ली दी है कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं भी हूँ, और तैयार भी पहुँच रहे हैं, तो आप फिक्र मत करें, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बाहर बैठी हूँ, अभी आप सो जाएं। चलो थैंक यू बेटा। क्या हुआ बेटा, खाना निकाल रही? निकालो, शुरू करो। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पसंद ना आ रहा हो ये खाना, तुम कुछ और खाना चाह रही हो? आप बनवा लेते हैं, वरना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। नहीं नहीं मैं बस अब खा लेती हूँ। अशोक सुनिए बुशर, ये आज के बाद जब भी खाना बनेगा इनसे भी पूछिएगा सबरीना से इन्होंने क्या खाना, इनकी मर्जी की चीज भी बनाइएगा। जी अच्छा ठीक है। जरूर पूछ लेना, हमारी मेहमान है ना, तो हमें आइडिया नहीं है इन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, जो भी खाना बने इनसे पूछ लेना। जी अच्छा। तुम शुरू करो बेटा, ये नो बिरयानी खाओ। हाँ हाँ आप पहले डाल। मैं लेता। देखा आपने कितने इनहमाक से आपकी खिदमत कर रही है, और इसी अबीरा को आपने किस तरह बेइज्जत करके घर से निकाला था। बदल तो गई है, हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन अरे ऐसे नहीं कहते, हमें इंसान को मार्जिन देना चाहिए तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, हो जाता है ऐसा। सबीना का फोन अभी भी ऑफ जा रहा है, अगर वो घर पे होती तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं क्या कर सकता, अगर वो ना आना चाहे तो। आपका चेक। थैंक यू सो मच, it was great working with you. Same here. तो क्या प्लान है, कब जा रहे हैं? हाँ दरअसल अब यहाँ कोई काम नहीं तो I'll just go back in few days. Right. I'll miss you. I mean इतना अच्छा काम करते हो, you're good at what you do. It was great working with you. Likewise. It was great working with you as well. Thank you so much, aapne itna support kiya aur itna appreciate kiya. Meri zimmedari thi.
क्या आपको भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ या फिर ये इश्यू सिर्फ मेरे साथ है? आई थिंक सिर्फ मेरे ही साथ है क्योंकि आप तो काफी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं, दरअसल यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बचा। अगर कोई रोके तो? काम के लिए नहीं, अगर कोई अपने लिए रोके तो रुक जाएंगे आप? क्या कर रही हो? वो मैं ताई अम्मी के पैर की मालिश करने आई थी, दर्द था ना उनके पैर में। देखना एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुमसे एक बात पूछूं? तुम सबरीना, तुम चाहते हो कि सबरीना वापस आए? तुम क्या चाहते हो? तो तुम ही चाहते हो। चाहती हूँ कि हम अगर तुम सबरीना को छोड़ने का फैसला कर दो तो हम शादी कर लेंगे। तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी खातिर मैं सर से पैर तक बदल गई हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर सबरीना हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो हम पहले जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल खुश। तुम्हें याद है ना कि हम कितने खुश थे? Please.